अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और हमारा आज का जो टॉपिक है, इट परटेन्स टू, इट इज़ अ फोर्थ रादर फोर्थ चैप्टर, दैट इज एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो पिछले चैप्टर कवर किए, उसमें से डेमोक्रेसी या और कोई चैप्टर है वो हमने पूरी तरह से उस पे नज़र रखी। तो इसके बाद ये जो चौथा चैप्टर है, इसमें हमें अब मैं आपकी इंट्रोडक्शन पहले कराऊँ। तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में या पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में या एग्जीक्यूटिव की कितनी किस्में हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। आगे चल के डिसीजन मेकर्स एट सेंटर या इलेक्शन, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, इन सब चीज़ों का, तो ये सब चीज़ हमें जानने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्जीक्यूटिव क्या है। तो जहां तक एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर होता है जो डिसीजन लेता है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक ऑफिसर की जरूरत पड़ती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को एफिशिएंटली या इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव होता है जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं या जिनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप को हम ये कह सकते हैं ये कि ये एक एग्जीक्यूटिव है। जैसा कि हमें मालूम है या आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है, इसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, मेन तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो ऑर्गन जो कि बुनियादी तौर पे जिम्मेदार होता है गवर्नमेंट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यानी कि द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिसी डिसीजन इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का है जो कि जिम्मेदार है लॉज को इम्प्लीमेंट करने में या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। कौन सी पॉलिसीज? जो कि लेजिस्लेटर पास करता है। कभी कभार एग्जीक्यूटिव खुद भी इन्वॉल्व होता है पॉलिसी को मरतब करने में। यानी आमतौर पे लेजिस्लेटर कानून साजा जिसको हम बोलते हैं, वो डिसीजनस लेता है और वो पॉलिसी बनाता है, और उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में एग्जीक्यूटिव का बहुत ही हाथ होता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि कभी कभार जो एग्जीक्यूटिव होता है वो खुद भी फैसले बनाता है या खुद भी पॉलिसी बनाता है और इसको इम्प्लीमेंट भी कराता है। और एग्जीक्यूटिव डेस्टिनेशन जो होते हैं वो वैरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। तो कई कंट्रीज में उनको प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, तो कई कंट्री में किंग के नाम से, या कई कंट्रीज़ों में इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कहते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिविल सर्वेंट्स। यानी कि हमें, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी हम, या उनको भी हम एग्जीक्यूटिव में ही डाल सकते हैं। सो द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड आर कॉल्ड पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि अगर हम मिनिस्टरों की बात करेंगे या हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे,
तो उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहेंगे। तो इसी तरह से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डे टू डे ऑपरेशंस में, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्योंकि मिनिस्टर्स या कोई और जो लेजिस्लेटर होते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट को ले लेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, हाँ, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि अगर हम बात करेंगे, जब इलेक्शंस आते हैं तो 5 साल के लिए हम अपने नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और ये जो दूसरा सेकंड कैटेगरी होती है, वो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव हु वर्क परमानेंटली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, उसको हम ये कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनमें क्या कौन 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 से आते हैं, सिविल सर्वेंट्स या परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो ऑफिसों में रहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट कभी कभार चेंज भी होती है, लेकिन वो एक तरह से अपने ऑफिसों में परमानेंट शक्ल इख्तियार करते हैं। सो दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं इन पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर ही, और उनको हेल्प भी करते हैं इन कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कभी कहीं कभार कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव उस वक्त ज़्यादा पावरफुल होता है ओवर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। लेकिन एक बात तो तय है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं दे आर मोर एजुकेटेड एंड हैव एक्सपर्ट नॉलेज। क्योंकि वो एग्ज़ाम पास करते हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, और उनको बहुत ही नॉलेज जो होती है वो उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, वहाँ पे जो मिनिस्टर होता है उसको छोड़ के जितने भी उसके नीचे ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो स्टिल हाउएवर इट इज़ द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल डिसीजंस। अगर हम इंडिया की बात करें कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वायर द विल ऑफ द पीपल प्रिवेल्स, यहाँ पे लोगों की जो विल होती है वही आगे चलती है, और मिनिस्टर जो होता है दैट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, वही गवर्नमेंट मिनिस्टर जो होता है वो लोगों के सामने जवाबदेह होता है। सो दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। द मिनिस्टर डिसाइड्स ओवरऑल फ्रेमवर्क दो ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। हालांकि वो एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही तमाम डिसीजन लेता है। सो दिस इज अबाउट पोलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दिस इज सेप्शन फॉर टुडे। थैंक।